के नेताओं ने पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर भी विवादित बयान दिए हैं। कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने को लेकर कांग्रेस परेशान है। कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की तुलना में भारत को कमजोर बताकर भी कांग्रेस ने अपनी किरकिरी कराई है। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के इन बयानों की धज्जियां उड़ा दी हैं। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पहले राहुल गांधी ने कोविड को लेकर पाकिस्तान की स्थिति को भारत से बेहतर बता दिया। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी राहुल गांधी की बात दोहराई। कांग्रेस ने बार बार भारत सरकार की आलोचना करने के चक्कर में भारत की आलोचना कर डाली। इस बात को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की पोल खोल दी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। दरअसल शशि थरूर ने लाहौर थिंक फेस्ट में भारत में भेदभाव का मुद्दा उठाया। शशि थरूर ने कहा, एक दूसरे से डर का माहौल बनाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितनों ने वो व्हाट्सएप वीडियो देखे हैं, जिनमें चीनी लोगों या उनके जैसे दिखने वाले लोगों के साथ पश्चिमी देशों में जगह जगह भेदभाव होता है, सिर्फ इसीलिए कि वो चीनी लोगों जैसे दिखते हैं। भारत में हम यही समस्या उत्तर पूर्व के लोगों के साथ देखते हैं, क्योंकि वो लोग अलग दिखते हैं। इस तरह के भेदभाव के खिलाफ हम भारत में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भेदभाव कोरोना महामारी के दौरान भी देखा गया। जब तबलीगी जमात का मुद्दा उठा तो माहौल खराब हो गया। पहले लॉकडाउन से ठीक पहले तबलीगी जमात के लोग जमा हुए थे, और ये लोग जब अपने राज्यों में लौटे तो कोरोना का संक्रमण बढ़ गया। इस घटना को भारत के मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस बात को लेकर भाजपा ने शशि थरूर के साथ कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, शशि थरूर ने लाहौर थिंक फेस्ट में भारत का मजाक बनाया है। उन्होंने भारत की बहुत ही खराब छवि दिखाने की कोशिश की है। भारत की सरकार कोविड के मैनेजमेंट में सफल रही है। भारत की मीडिया पोल के जरिए दिखा रही है कि जनता मोदी सरकार के कदमों से संतुष्ट है, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पाकिस्तान में भारत सरकार की आलोचना कर रही है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं। भारत से शशि थरूर इमरान खान की रैली को संबोधित कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं। शशि थरूर से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना वायरस से निपटने में भारत से अच्छी स्थिति पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रही है। राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना हुई, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि भारत ने कोविड-19 से निपटने में बड़ी भूमिका निभाई है। 80 करोड़ लोगों के घरों तक खाद्यान्न पहुंचाया गया। भारत ने 150 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की आपूर्ति की। भारत सरकार की इन पहलों की सराहना WHO भी कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को पाकिस्तान की भाषा बोलने का पहले भी खामियाजा भुगतना पड़ा है, और अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और शशि थरूर के बयानों को बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा, जिससे कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन की दूसरी पार्टियों को भी स्थिति खराब होने वाली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।